टाइम्स के इस खास पेशकश में मैं जोया खान आपका स्वागत करती हूं, जहां आप देख रहे हैं देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। पार्किंग की समस्या से जूझ रहे मुंबईकरों को राहत देने के लिए बीएमसी ने पहल की है, तो शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। वही अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। इसी बीच सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुणे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुणे पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी संतोष जाधव को गिरफ्तार किया है। तो उधर राखी सावंत के एक्स हस्बैंड रितेश ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। प्रदेश की इन पांच बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। पार्किंग की समस्या से जूझ रहे मुंबईकरों को राहत देने के लिए बीएमसी ने पहल की है। जिन सोसाइटियों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों की लिस्ट बीएमसी ने फॉर्म भरकर मांगी है। पार्किंग की समस्या हल करने के लिए बीएमसी सर्वे कर रही है। उसी के तहत बीएमसी ने सोसाइटियों से आवश्यकता के अनुसार जानकारी देने को कहा है। इस पहल से बीएमसी सोसाइटी के नजदीक पार्किंग को उपलब्ध करा सकेगी। बीएमसी के इस कदम से मुंबई में पार्किंग की समस्या काफी हद तक हल होने की उम्मीद बढ़ी है। कई बार रोड पर गाड़ी पार्क करने की वजह से लोगों को भारी जुर्माना भरना पड़ता है, साथ ही शरारती तत्व गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। पार्किंग सुविधा उपलब्ध होने पर लोगों को जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा, साथ ही गाड़ी भी सुरक्षित रहेगी। बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि बीएमसी जो पार्किंग बनाएगी उसका शुल्क सोसाइटियों से एक साल पहले एडवांस ले लिया जाएगा। पार्किंग सुविधा सोसाइटी से 500 मीटर की दूरी पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सर्वे किया जा रहा है। मुंबई के सभी 24 वार्डों में ये सुविधा उपलब्ध होगी। पार्किंग के लिए जमीन वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से दी जाएगी। पार्किंग के दौरान गाड़ियों का विवरण और सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसाइटियों के पदाधिकारियों की होगी। सोसाइटी फॉर्म भरकर बताएगी कि उन्हें कितनी गाड़ियों की पार्किंग की आवश्यकता है, उसी हिसाब से आगे की रणनीति बनाई जाएगी। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सामना संपादकीय में लिखा गया है कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने छठी सीट जीत ली है। इस परिणाम से महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा है, सरकार में हड़कंप मच गया है, ऐसा माहौल तैयार किया जा रहा है। महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार नहीं जीता, वो फडणवीस का उम्मीदवार जीत गया। इससे राज्य में महाप्रलय तो नहीं आया ना, सूर्य पश्चिम में तो नहीं निकला ना, चींटी ने सुमेर पर्वत तो नहीं निकल लिया ना, श्रीमान आप मतों का जुगाड़ करके जीते, इतना ही इस परिणाम का महत्व है। इस जुगाड़बाजी के गणित में महाविकास आघाड़ी को असफलता मिली, इसे दुनिया तो नहीं डूब गई ना। एक साधारण विषय समझ लेना चाहिए, निर्दलीय व छोटे दलों की मदद से ही आप छठी सीट जीत जाए। ऐसी योजना जिस तरह से महाविकास आघाड़ी की थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की भी थी। राजनीति में ऐसा होता ही रहा है। चार पांच निर्दलीय व वसई विरार की बहुजन विकास आघाड़ी वालों का गणित भाजपा के पक्ष में गया और उनका उम्मीदवार मामूली अंतर से जीत गया, अर्थात जो जीता वही सिकंदर। इस नजरिए से सिकंदरों का उत्सव मनाया जा रहा है, मानो कोई बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया है। इस तरह से धूप अंगारे घुमाए जा रहे हैं, लेकिन महाविकास आघाड़ी की सरकार मजबूत है और मजबूत रहेगी। अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। सिद्धांत कपूर कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं। उन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग्स केस में अब तक कई फिल्म और टीवी स्टार्स का नाम सामने आ चुका है। इसमें दीपिका पादुकोण से लेकर अनन्या पांडे, भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया समेत रिया चक्रवर्ती और श्रद्धा कपूर तक से पूछताछ की गई थी। अब इस लिस्ट में नया नाम सिद्धांत कपूर का जुड़ गया है। बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु में छापेमारी के बाद हिरासत में लिया है। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि ड्रग्स के सेवन में सिद्धांत कपूर समेत 6 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी लोग बेंगलुरु के एमजी रोड स्थित एक होटल में थे, जहां पर पार्टी चल रही थी। जैसे ही जानकारी मिली तो पुलिस तुरंत वहां पहुंच गई और छापेमारी की। पुलिस के मुताबिक ड्रग्स की जांच में सिद्धांत कपूर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उन्हें अलसुर पुलिस स्टेशन लाया गया है। सिद्धांत की बहन और श्रद्धा कपूर से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद खुले ड्रग्स केस में एनसीबी ने पूछताछ की थी, लेकिन उसमें कुछ भी सामने नहीं आया था। बेटे सिद्धांत कपूर के ड्रग्स सेवन वाली बात से पिता शक्ति कपूर हैरान है। उन्होंने कहा कि मैं अभी बस एक ही बात कह सकता हूँ कि ये संभव नहीं है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुणे पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुणे पुलिस ने इस मामले में फरार आरोपी संतोष जाधव को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कुलवंत कुमार सारंगल ने इस बात की जानकारी मीडिया कर्मियों को साझा की। उन्होंने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के सदस्य जाधव को साल 2021 में पुणे के मंचर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए एक पुराने हत्याकांड के मामले में हिरासत में लिया गया है। वो बीते एक साल से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। पुणे पुलिस ने ये गिरफ्तारी गुजरात में जाकर की। संतोष जाधव मूसेवाला हत्याकांड में एक संदिग्ध आरोपी और शार्प शूटर है। उसके साथ उसके एक अन्य सहयोगी नवनाथ सूर्यवंशी को भी गिरफ्तार किया गया है।
फिलहाल उन्हें 20 जून तक पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस इस बात की तफ्तीश में जुटी है कि जाधव का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन है और क्या वो मूसेवाला की हत्या में शामिल था। संतोष जाधव और उसके सहयोगी नवनाथ सूर्यवंशी पर मूसेवाला की हत्या में शामिल होने का आरोप है। संतोष जाधव मुंबई के डॉन अरुण गवली गैंग का गुर्गा है। अरुण गवली फिलहाल एक हत्या के मामले में जेल की सलाखों में कैद है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद से दोनों की तलाश बड़ी ही सरगर्मी के साथ पुलिस कर रही थी। पुणे पुलिस ने शार्प शूटर सिद्धेश हीरामन कामले और सौरभ महाकाल को भी गिरफ्तार किया था। राखी सावंत ने हाल ही में एक्स हस्बैंड रितेश पर यह आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उन्होंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक कर लिए हैं। राखी सावंत ने ये तक दावा किया था कि रितेश उन्हें तबाह करने की धमकी दे रहा है। इसके बाद रितेश ने राखी सावंत द्वारा लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा था कि वो अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। रितेश का कहना है कि उन्होंने राखी सावंत को गाड़ी दी और उन पर करोड़ों रुपए बहाए, लेकिन अब राखी ही उल्टा उन पर इल्जाम लगा रही है। इस सवाल पर राखी सावंत ने कहा कि वो झूठ बोल रहा है। जो ज्वेलरी उसने मुझे दी थी वो नकली थी। जब मुझे माँ के इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी तब मैं ज्वेलरी बेचने एक ज्वेलर के पास गई थी। वो मुझ पर हंसने लगा और कहा कि ये असली सोना नहीं है, वो ज्वेलरी मेरे पास अभी तक है। चांदी के जेवर पर सोने का पानी लगाया गया है। मैंने रितेश को मैसेज किया कि ज्वेलरी नकली है, इसे देते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तो उसने जवाब दिया कि तुम यही डिजर्व करती हो। उसने मुझे 4 बार रूम से धक्के मार कर बाहर निकाला। वो मुझे अनपढ़ कहता था। ये सच है कि उसने मुझे कार दी थी, लेकिन जब उसने कार वापस मांगी तो मैंने दे दी। वो मुझसे हमेशा कहता था कि मैं तुम्हारा नौकर या गुलाम नहीं हूँ, अपना काम खुद करो, अपना खुद कमाओ, तो मुझे शादी करके क्या मिला। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने जय श्री राम का मुकाबला जय हनुमान से करने का फैसला लिया है। पार्टी ने कहा है कि हिंदुओं को विभाजित करने की योजना में वो भाजपा को सफल नहीं होने देगी। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे। वो बड़ी संख्या में समर्थकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ सत्याग्रह मार्च करते हुए पार्टी के दफ्तर से पैदल ही ईडी ऑफिस पहुंचे। वहीं इन दिनों लद्दाख स्थित कारगिल जिला मुख्यालय में एक बौद्ध यात्रा चर्चा में बनी हुई है। इसी बीच पंजाब में फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। इस बार फिरोजपुर में डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस की दीवार पर ये नारे लिखे गए हैं। तो उधर यूपी में हिंसा के बीच बुलडोजर की कार्रवाई पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती ने नाराजगी जताई है। देश भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। बीजेपी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। इस बीच राज्य की सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अपनी अलग राजनीतिक रणनीति के तहत काम करना शुरू कर दिया है। KCR राष्ट्रीय राजनीति में अपने लिए एक बड़ी भूमिका तैयार करने में जुट गए हैं। इस काम में उनकी बेटी और निजामाबाद की MLC कविता कल्वाकुंतला भी जुट गई है। कविता कल्वाकुंतला बीजेपी की ओर से पेश की गई हिंदुत्व चुनौती का मुकाबला करने के लिए TRS का चेहरा बन गई है। वह भगवा पार्टी के खिलाफ अपने आक्रामक रुख के साथ उतरी है। राज्य में एक लोकप्रिय फूल उत्सव बथुकम्मा को इस बार धूमधाम से मनाया गया। कविता ने इस फेस्टिवल को इंटरनेशनल लेवल से जोड़ा और एक प्रतिनिधिमंडल दुबई लेकर गई। यहाँ पर जय हिंद जय तेलंगाना और जय KCR के नारों के बीच बुर्ज खलीफा पर समारोह की स्क्रीनिंग की गई। पिछले हफ्ते उन्हें निजामाबाद के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में महाकुंभाभिषेक करते हुए देखा गया था। अपनी जनसभाओं में उन्होंने अक्सर घोषणा की है कि TRS जय श्री राम का मुकाबला जय हनुमान से करेगी और यह कि राज्य में हिंदुओं को विभाजित करने की अपनी योजना में भाजपा को सफल नहीं होने देंगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे। वह बड़ी संख्या में समर्थकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ सत्याग्रह मार्च करते हुए पार्टी के दफ्तर से पैदल ही ईडी ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ पी चिदंबरम, दिग्विजय सिंह, प्रमोद तिवारी, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे कई सीनियर नेता मौजूद थे। छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल भी इस मौके पर दिल्ली में है और मार्च में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रियंका गांधी भी राहुल के साथ ही ईडी के दफ्तर पहुंची। राहुल गांधी एजेंसी के ऑफिस में अंदर गए तो कांग्रेस के तमाम सीनियर नेता दफ्तर के बाहर बैठे रहे। राहुल गांधी के साथ सिर्फ प्रियंका गांधी को ही अंदर जाने दिया गया है। एहतियातन दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के साथ आए सीनियर नेताओं और कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को ईडी के दफ्तर से करीब 1 किलोमीटर पहले ही पुलिस ने रोक दिया। खबर है कि राहुल गांधी से डिप्टी डायरेक्टर रैंक के अधिकारी समेत कुल 3 अफसरों ने पूछताछ की। जरूरत पड़ने पर एक बार फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। पार्टी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने कहा कि 23 जून को सोनिया गांधी की पेशी की जानी है और उस दिन भी पार्टी इसी तरह का शक्ति प्रदर्शन कर सकती है। राहुल गांधी की पेशी को कांग्रेस एक मौके के तौर पर देख रही है। दिल्ली समेत देश के तमाम राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान भाजपा पर लगातार हमले जारी रहे। इन दिनों लद्दाख स्थित कारगिल जिला मुख्यालय में
एक बौद्ध यात्रा चर्चा में बनी हुई है। इसका कारण यह है कि धर्मगुरु चोस्कियोंग पालगा रिनपोछे अपने अनुयायियों के साथ यह यात्रा कर रहे हैं और उनका लक्ष्य कारगिल में एक विवादास्पद स्थल पर एक मटका पत्थर रखना है। इस पर कुछ मुस्लिम समुदाय के सदस्यों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे माहौल खराब हो सकता है। दरअसल कारगिल जिला मुख्यालय में बौद्ध मठ तक इस शांति यात्रा को लेकर तनाव जैसे हालात बन रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन के बैनर तले कई इस्लामी संगठनों ने शांति यात्रा निकाले जाने को कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। इस्लामी संगठनों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चेताया है कि पदयात्रा सियासी मंशा से निकाली जा रही है, जिससे हालात खराब हो सकते हैं। उधर लेह से निकली शांति यात्रा कारगिल के नजदीक मुलबैक मुख्यालय पहुंच गई है। कारगिल पहुंचने तक इसमें बौद्ध समुदाय से करीब 1000 लोग शामिल होंगे। यह यात्रा 31 मई को शुरू हुई और यह 14 जून को मुस्लिम बहुल कारगिल में खत्म होगी। रिपोर्ट के मुताबिक सामाजिक और धार्मिक संगठनों के संगठन कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस ने उपायुक्त को एक पत्र लिखकर कहा कि यह मार्च राजनीति से प्रेरित था और लद्दाख में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकता है। वही लद्दाख बौद्ध संघ ने इस मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने को कहा है। पंजाब में फिर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे गए हैं। इस बार फिरोजपुर में डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस की दीवार पर ये नारे लिखे गए हैं। प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू ने खुद इसको वायरल किया है। हालांकि इसका पता चलते ही पुलिस ने तुरंत पेंट करवा कर इन नारों को मिटा दिया है। इस हरकत के बाद पंजाब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई है। सुबह करीब 8:42 पर पन्नू ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसमें मीडिया वालों को जोड़कर ये वीडियो डाला। हालांकि पन्नू ने इसे डिप्टी कमिश्नर के घर या ऑफिस के बाहर लिखा हुआ बताया गया। जब इसकी जांच की गई तो ये जीआरएम ऑफिस के बाहर लिखा मिला। डीसी ऑफिस के बाहर भी पुलिस ने जांच की। खालिस्तान के नारे लिखे होने का पता चलते ही पुलिस ने तुरंत चारों तरफ नाकाबंदी कर दी। इसके अलावा डीआरएम दफ्तर की तरफ आते जाते रस्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस के हाथ कोई बड़ा सबूत नहीं लगा है। फरीदकोट जिले में 2 बार ऐसी वारदात हो चुकी है। पहले एक पार्क की दीवार पर ये नारे लिखे गए, उसके बाद सेशन जज के घर की दीवार पर खालिस्तान जिंदाबाद लिख दिया गया। पुलिस ने पेंट कर इन्हें मिटा दिया, लेकिन नारे लिखने वालों को अभी तक नहीं पकड़ सकी है। यूपी में हिंसा के बीच बुलडोजर की कार्रवाई पर नेताओं की बयानबाजी सामने आई है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताई। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पम्प के घर को रविवार को बुलडोजर ने ढहा दिया था। इस पर ओवैसी ने गुजरात के भुज में एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश के सीएम इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं कि किसी को भी दोषी करार देंगे और घर तोड़ देंगे। जो घर तोड़ा गया है वो तथाकथित आरोपी की पत्नी के नाम है। सीएम मुसलमानों को सामूहिक सजा दे रहे हैं। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई पर बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि यूपी सरकार एक समुदाय विशेष को टारगेट करके बुलडोजर से घर ढहा रही है। विरोध को कुचलने और भय आतंक का जो माहौल बनाया जा रहा है ये अन्याय है। घरों को ध्वस्त करके पूरे परिवार को टारगेट करने की दोषपूर्ण कार्रवाई का कोर्ट जरूर संज्ञान ले। उन्होंने समस्या की मूल जड़ भाजपा प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को बताया और कहा कि उन्हीं के कारण देश का मान सम्मान प्रभावित हुआ और हिंसा भड़की। उनके खिलाफ कार्रवाई न करके सरकार कानून के राज का उपहास क्यों कर रही है। मायावती ने लिखा कि दोनों आरोपियों को अभी तक जेल नहीं भेजना घोर पक्षपात है, तत्काल गिरफ्तारी जरूरी है। ब्रिटेन सरकार ने एक नई फिल्म द लेडी ऑफ हेवन के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के अभियान का समर्थन करने पर एक इमाम की स्वतंत्र सलाहकार के रूप में नियुक्ति को वापस ले लिया है। तो चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है कि अगर किसी देश या व्यक्ति ने ताइवान को चीन से अलग करने का प्रयास किया तो हम युद्ध से नहीं हिचकेंगे, किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। वहीं म्यांमार के ग्रामीण और कई शहरी इलाकों में सैनिक शासन की तरफ से प्रायोजित हिंसा तेजी से फैल रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने के लिए जमाल खशोगी हत्याकांड के मुद्दों को भूलकर आगे निकलने का मन बना लिया है। तो उधर अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे वैज्ञानिक ने एक छिपी हुई दुनिया का पता लगाया है जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया। दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रिटेन सरकार ने एक नई फिल्म द लेडी ऑफ हेवन के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के अभियान का समर्थन करने पर एक इमाम की स्वतंत्र सलाहकार के रूप में नियुक्ति को वापस ले लिया है। इमाम को सरकारी पत्र के माध्यम से सूचित किया गया कि फिल्म द लेडी ऑफ हेवन के विरोध के लिए उनका समर्थन कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करता है तथा सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला है। सरकारी पत्र में कहा गया है कि आपने सिनेमाघरों में फिल्म लेडी ऑफ हेवन की स्क्रीनिंग रोकने के लिए चल रहे अभियान को बढ़ावा दिया जो कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित करने का स्पष्ट प्रयास है।
आपने जिस अभियान का समर्थन किया है उसके कारण सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुआ है, जिसने धार्मिक घृणा को बढ़ावा दिया है। पत्र में इमाम के फेसबुक पोस्ट का हवाला दिया गया है, जो फिल्म की स्क्रीनिंग रद्द करने पर जोर देने के उनके रुख को उजागर करता है। कुवैत के यासिर अल हबीब द्वारा लिखित फिल्म 3 जून को ब्रिटेन में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को मिस्र, मोरक्को और पाकिस्तान में प्रतिबंधित कर दिया गया है, जबकि ईरान में मौलवियों ने इसे देखने वालों के खिलाफ फतवा जारी किया है। ब्रिटेन में बर्मिंगम, बोल्टन, ब्रैंडफोर्ड और शेफील्ड में सिनेमाघरों के बाहर प्रदर्शन हुए हैं। बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में ब्रिटेन के सिनेमाघरों ने अपने कर्मचारियों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिहाज से फिल्म की स्क्रीनिंग रद्द कर दी थी। फिल्म की वेबसाइट के अनुसार यह पैगंबर मोहम्मद की बेटी की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को लेकर तमाम देशों में विरोध के स्वर उठ रहे हैं। चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फेंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ताइवान की स्वतंत्रता का मतलब ही युद्ध है। अगर किसी देश या व्यक्ति ने ताइवान को चीन से अलग करने का प्रयास किया तो हम युद्ध से नहीं हिचकेंगे, किसी भी कीमत पर लड़ेंगे। उन्होंने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन पर बरसते हुए एशियाई देशों को चीन के खिलाफ भड़काने का आरोप भी लगाया। जनरल वेई फेंग ने आरोप लगाया कि अमेरिका बहुपक्षवाद की आड़ में अपने हितों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन में 1949 में हुए गृह युद्ध के बाद ताइवान अलग हो गया था, लेकिन चीन हमेशा से दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग 2022 में कहा था कि चीन स्वशासित ताइवान द्वीप पर अपने दावे और अपनी बढ़ती सैन्य गतिविधियों से क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रहा है। ऑस्टिन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ बहुपक्षीय साझेदारी की आवश्यकता पर जोर दिया, जिसके बारे में चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि यह चीन को अलग थलग करने का एक प्रयास है। ताइवान को कब्जे में लेने के लिए चीन ने सैन्य कार्रवाई से इनकार नहीं किया है। चीन इस बात पर भी कायम है कि यह घरेलू राजनीतिक मसला है। इन्हीं आरोपों के जवाब में चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंग ने पलटवार करते हुए कहा कि अमेरिका चीन के खिलाफ ताइवान कार्ड खेलता रहा है, लेकिन उनका देश अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना चाहता है वह करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन निश्चित रूप से एकीकरण को पूरा करेगा। म्यांमार के ग्रामीण और कई शहरी इलाकों में सैनिक शासन की तरफ से प्रायोजित हिंसा तेजी से फैल रही है। खबर है कि सैनिक शासन विरोधी हथियारबंद गुटों के हमलों के जवाब में सेना ने कई जगहों पर बस्तियों में आग लगा दी। इसके अलावा जिन इलाकों को सैनिक शासन ने ड्राई जोन घोषित किया है वहां हवाई बमबारी भी की गई है। ऐसे ज्यादातर इलाके देश के दक्षिण पूर्वी भाग में है। एक ताजा खबर के मुताबिक सैनिक शासन ने ऐसे कुछ गुप्त दस्ते तैयार किए हैं जिनका काम बागी गुटों पर हमले करना और उनसे सहानुभूति रखने वाली आबादी को भयभीत करना है। इन दस्तों को थवे दूत आहपवे अर्थात रक्त पिपासु समूह के नाम से जाना जा रहा है। बताया जाता है कि यह समूह मंडाले शहर के आसपास सक्रिय है। आरोप है कि उन्होंने आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी से जुड़े रहे लोगों का अपहरण किया है, उन्हें यातना दी है और कई NLD समर्थकों को मार डाला है। समझा जाता है कि अप्रैल के बाद से ही सैनिक शासकों ने तथाकथित नए पब्लिक सिक्योरिटी सिस्टम पर अमल शुरू कर दिया। इसके तहत बनाए गए गुटों को कई तरह के काम दिए गए हैं। उनमें स्थानीय खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों में मददगार बनना और धमकियों और हिंसा के जरिए स्थानीय जनसमूहों को आतंकित करना शामिल है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब म्यांमार के सैनिक शासकों ने इस तरह के तरीके अपनाए हो। ऐसा ही तरीका साल 2000 के आसपास भी तत्कालीन सैनिक शासन ने अपनाया था। वैसे 1960 के दशक में भी म्यांमार की सेना ने देश के कुछ हिस्सों में पीपुल्स मिलिशिया सिस्टम लागू किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सऊदी अरब से रिश्ते सुधारने के लिए जमाल खगोशी हत्याकांड के मुद्दे को भूलकर आगे निकलने का मन बना लिया है। जमाल खगोशी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के स्तंभकार थे जिनकी 2018 में हत्या कर दी गई थी। बाद में अमेरिकी जांच एजेंसियां इस नतीजे पर पहुंची कि खगोशी की हत्या का आदेश सऊदी अरब के युवराज प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दिया था। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के समय बाइडेन ने वादा किया था कि वे राष्ट्रपति बने तो प्रिंस सलमान को दुनिया में पराया बना देंगे, लेकिन बाइडेन इस समय यूक्रेन युद्ध के बाद प्राकृतिक गैस की महंगाई के कारण गहरे दबाव में है, इसलिए उन्होंने सऊदी अरब के प्रिंस के खिलाफ अपनी नैतिक आपत्तियों को दरकिनार करने का फैसला किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दोनों पक्षों ने फैसला किया है कि पश्चिमी एशिया में शांति और स्थिरता के हित में अतीत को भूलकर आगे निकला जाए। बाइडेन संभवतः जुलाई में सऊदी अरब की यात्रा पर जाएंगे। बाइडेन के इस रुख का अमेरिका में भारी विरोध हो रहा है। खगोशी की मंगेतर हैटिस सेंगिज ने कहा कि बाइडेन ने नैतिक कसौटियां छोड़ दी है।
अमेरिकी अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि प्रिंस सलमान से राष्ट्रपति बाइडेन मिलने का फैसला एक कड़वी गोली की तरह है जिसे उन्हें निगलना पड़ रहा है। फिलहाल अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य रूस को अलग थलग करना है। ऐसी स्थिति बनाना लक्ष्य है जिससे रूस को अपना कच्चा तेल बेचने का बाजार गंवाना पड़े। ऐसे में राष्ट्रपति और उनके प्रशासन के अधिकारियों की राय बनी है कि खगोशी हत्याकांड के कारण सऊदी प्रिंस से बात न करना दूरदर्शी नजरिया नहीं है। अंटार्कटिका की बर्फीली सतह के नीचे वैज्ञानिकों ने एक छिपी हुई दुनिया का पता लगाया है। वैज्ञानिकों को यहाँ एक ऐसा इकोसिस्टम मिला है जिसे आज तक कभी नहीं देखा गया। बर्फीली सतह के नीचे एक भूमिगत नदी में एक अंधेरी गुफा दिखी है जिसमें झींगे की तरह दिखने वाले छोटे छोटे जानवर नजर आ रहे हैं। इस नई खोज से वैज्ञानिक उत्साहित है। अंटार्कटिका प्रायद्वीप के पूर्वी तट से जुड़े लॉर्सन आइस शेल्फ के नीचे वैज्ञानिकों को ये गुप्त स्थान मिला है। लॉर्सन आइस शेल्फ दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है जो 2021 में टूटकर बना था। रिसर्च टीम ने 1640 फीट यानी लगभग 500 मीटर तक बर्फ की सतह पर गर्म पानी के जरिए ड्रिल किया। पाइप के साथ ही कैमरा लगा हुआ था। बर्फ को तोड़कर जब कैमरा पानी तक पहुंचा तो यहां सैकड़ों की संख्या में जलीय जीव देखने को मिले। शुरुआत में ये धुंधले दिखाई दे रहे थे जिससे वैज्ञानिकों को लगा कि उनका कैमरा खराब हो गया है। बाद में फोकस करने पर उन्हें एहसास हुआ कि उनके कैमरे की लेंस के चारों ओर झींगे हैं। वैज्ञानिक इस खोज से पूरी तरह हैरान है क्योंकि उन्हें बर्फ की सतह के इतने नीचे जीवन मिलने की उम्मीद नहीं थी। विशेषज्ञों का लंबे समय से मानना है कि अंटार्कटिका के नीचे नदियों और झीलों का नेटवर्क है। बर्फीली सतह के नीचे नदी में जीवन मिलना एक महत्वपूर्ण खोज है। इस नदी का निरीक्षण करना एक छिपी दुनिया को खोजने जैसा एहसास देता है। शुरुआत में उन्हें सतह के नीचे नदी होने का पता सैटेलाइट इमेज से चला था। इसके बाद इस महत्वपूर्ण खोज के लिए अभियान की योजना बनाई गई और अनूठा सच दुनिया के सामने आ सका। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए बीकेबी न्यूज़। नमस्कार।